इस टीम की हालत होगी पस्त जब बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटंस के बीच मैच होगा ये बिल्कुल जबरदस्त। मैं नमन काबरी आपका स्वागत करता हूँ चर्चा एक कबड्डी में। यहाँ मिलेंगे कबड्डी के रंग मेरे और आपके संग। जी हाँ, तो ये है 1 जनवरी नए साल का दूसरा मुकाबला बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटंस के बीच, जो आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स टीवी नेटवर्क पर। अगर हम इस मैच के इतिहास की बात करें कि इन दोनों टीमों ने इतिहास में कैसा एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्म किया है, तो आप देख सकते हैं 17 बार हुआ है मुकाबला इन दोनों टीमों का, जिसमें से 11 बार जीती है बेंगलुरु और केवल 3 बार जीती है तेलुगु टाइटन्स, और 3 बार हुआ है मैच ड्रॉ। तो बेंगलुरु बुल्स ने कहा है, यारा हम निकल चुके हैं बहुत आगे, रोक सके तो रोक लो। तेलुगु टाइटन्स बिल्कुल आज ही उम्मीद करेंगे कि आज वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे और वो जो स्कोरबोर्ड में 11:3 है उसको 3-4 करने की जरूर एक जबरदस्त प्रयास करेंगे। अगर मैं अब बात करूं खिलाड़ियों की, तो बेंगलुरु बुल्स की बात करते हुए, बेंगलुरु बुल्स का जो मैच था आखिरी हरियाणा शीडर्स के खिलाफ, वहां पर पवन कुमार सहरावत 15 रेड पॉइंट्स, 2 टैकल पॉइंट्स, 5 बोनस, 22 पॉइंट एक गेम में पवन टेक अ बाउ। क्या खिलाड़ी है यार, दिन पर दिन क्षण पर क्षण मेरे लिए इनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ते ही जा रही है। जिस कद के ये रेडर है, कह सकते हैं इस लीग में अब तक पवन से बेहतर रेडिंग शायद ही किसी खिलाड़ी ने की है। 22 पॉइंट, सुपर 10 तो सुना था, यहाँ पे सुपर 20 स्कोर कर दिया है पवन कुमार ने, और क्या खेल खेला है, अकेले दम पर चला रहे हैं बेंगलुरु बुल्स को, बता रहे हैं क्यों उनसे बेहतर रेडर कोई है नहीं फिलहाल। उनके साथ मोरे जीबी ने उनका साथ दिया, 4 टैकल पॉइंट्स, 1 बोनस, 5 पॉइंट उनको मिले। महेंद्र सिंह के भी 4 टैकल पॉइंट्स, अमन के भी 3 टैकल पॉइंट्स। अगर आप ध्यान से देखिए स्कोरबोर्ड को, पवन को साथ ही नहीं मिल रहा, वही रह प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर बेंगलुरु के साथ। पवन कुमार को साथ देने वाला रेडर है ही नहीं, जितने भी पॉइंट्स बाकी खिलाड़ियों को मिल रहे हैं सबके रेडिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट्स है खाली, केवल डिफेंसिव पॉइंट्स मिल रहे हैं। डिफेंस में भी गुच्छे में पॉइंट नहीं मिल रहे, 5-4, 5-4, 3-2 के गुच्छों में पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर, बट रेडिंग में ये तो, क्योंकि पवन का दिन बहुत बेहतर था और 22 पॉइंट ले गए तो ये काम चल गया। लेकिन जिस दिन पवन का दिन खराब जाए, उस दिन बेंगलुरु के पास कोई रेडर ही नहीं है जो ऊपर आकर पॉइंट्स ले सके, और ये उनके लिए बिल्कुल एक एरिया ऑफ कंसर्न है। यहाँ पर उनको बिल्कुल एक बार खुद की टीम को जांचना होगा, परखना होगा और कोई ना कोई यहाँ पर सोल्यूशन निकालना होगा। अब अगर मैं बात करूं तेलुगु टाइटंस की, तेलुगु टाइटंस के पास भी जबरदस्त सिद्धार्थ बाहुबली देसाई है। आखिरी मैच जो था इनका हरियाणा शीडर्स के खिलाफ, वहां पर थोड़े हल्के जरूर पड़ गए, केवल 4 रेड पॉइंट और 5 बोनस पॉइंट, सुपर 10 से जरूर चूक गए। उनका बहुत बढ़िया साथ अंकित बेनीवाल ने भी दिया, 3 रेड पॉइंट्स, 6 बोनस पॉइंट्स, दोनों खिलाड़ी 9-9 पॉइंट लेके सुपर 10 से बिल्कुल चूक गए, लेकिन एक रेडिंग स्ट्रेंथ दिखाई दोनों ने, साथ में खेले, टटकर खेले और बार बार ये दिखाया कि क्यों इन्हें एक टीम की तरह दिखाया जाता है। उनके खिलाड़ी राकेश गौड़ा ने 7 पॉइंट्स लिए, 1 रेड 1 टैकल और 5 बोनस पॉइंट। सी अरुण, ऋतुराज कोरावी और आकाश चौधरी का हल्का फुल्का दिन रहा, इतना कुछ वो स्पेशल खास नहीं कर पाए, लेकिन बिल्कुल होप करेंगे कि आज के मैच में वो उठकर आए, वो ये दिखाएं क्यों उन्हें वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस कहा जाता है। अगर मैं इन दोनों टीमों को देखूं ऑन पेपर और इनका रिकॉर्ड देखूं, तो रिकॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल बेंगलुरु बुल्स की तरफ झुका हुआ है, और आज मुझे लग रहा है फिर बेंगलुरु बुल्स ही बाजी मारने वाली है, क्योंकि जिस फॉर्म में फिलहाल बेंगलुरु की टीम है और पवन कुमार शेरावत जिस रेड हॉट फॉर्म में है, वो किसी डिफेंस को छोड़ने नहीं वाले। आज बहुत मुश्किल होगा तेलुगु टाइटंस के लिए पवन कुमार को रोकने के लिए, और पवन कुमार को अगर उन्होंने रोक लिया तो ये बिल्कुल तेलुगु टाइटंस जीत सकते हैं मुकाबला, क्योंकि पवन का साथ फिलहाल कोई नहीं दे रहा। ये था इस मैच का प्रीव्यू, हम जल्द ही मिलेंगे अगले मैच के प्रीव्यूज के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो आपको लगता है आज के मैच में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।